हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीबी यांत्रिक सेक्शन वन के लिए साइंस का क्लास फोर। और एक चीज मैं बताऊं आपको, जिस साइंस की पीडीएफ के बारे में बात कर रहा था वो पीडीएफ लॉन्च हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि इस पीडीएफ के लॉन्च होते ही बच्चों मतलब स्टूडेंट्स इतना वेट कर रहे थे कि इस कदर बाई कर रहे हैं ना कि हमारे स्टाफ परेशान है आज मैसेज करते करते, कह रहे सर क्या बात है आपकी पीडीएफ इतनी सेल हो रही है। रीजन है ना इस पीडीएफ को सेल होने में गाइज राव, मतलब ये एक घंटे में मुझे जहां तक पता है 150 से 200 पीडीएफ सेल हुई है। रीजन इसका ये है गाइज, पिछली बार एग्जाम में इतना ज्यादा सवाल डायरेक्टली हमारे पीडीएफ से लड़ा था जो कि फ्री की पीडीएफ थी, ठीक है। तो मतलब हमने बहुत कम कंटेंट दिया था, इस बार तो दबा के देंगे। मैथ की भी आएगी, रीजनिंग की भी आएगी, जीके वाली फ्री दी जाएगी। ध्यान से सुनो, पहले इस पीडीएफ के बारे में बता दूं आपको। साइंस की जो टॉप 500 की पीडीएफ है गाइज आप लॉन्च हो चुकी है। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, या तो आप वेबसाइट से बाई कर लो या फिर व्हाट्सअप कर लो। वेबसाइट से बाई करोगे तो 35 रुपीज के साथ जीएसटी पे करना पड़ेगा, 41 या 42 रुपीज बन जाएंगे आपको देना पड़ेगा। अगर आप व्हाट्सअप करके हमारे स्टाफ से बाई कर लेते हो, राहुल हैं, राहुल सर हैं, आप उनसे बात कर लेना व्हाट्सअप पे 7279047787 इस नंबर पे। वो आपको मतलब सिर्फ 35 रुपीज में उनको पे कर देना आप लोग, बताएंगे किस तरीके से पे करना है, वो आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे ही भेज देंगे। और हाँ, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप पैसा लेके पीडीएफ नहीं सेंड करोगे, गाइस ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, पीडीएफ मिलेगा आपको। और मतलब किस तरीके से मारामारी चल रही है, इस पीडीएफ को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में तैयार किया गया है। मैंने दिखा ना दिया ना आपको, पेज नंबर 1 से 45 के बीच में पूरा हिंदी में कॉन्टेंट है, 45 से 79 में, 45 से 79 में पूरा इंग्लिश में कॉन्टेंट है। सेम कॉन्टेंट टॉप 500 साइंस के क्वेश्चन है, जहाँ पे फिजिक्स के 270 टॉप क्वेश्चन डाले गए हैं, केमिस्ट्री के 170 और बायोलॉजी के सिर्फ 60 क्वेश्चन। और गाइज मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस है, 99.99% चांसेस है कि पीडीएफ से क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, आएंगे 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 100%, ठीक है। इतना मैं कह रहा हूँ कि 100% आएंगे, बट 99.9% चांसेस क्वेश्चन फंसेंगे। अब 100% और ये 99 में क्या दुविधा है सर, ये है ना कि क्वेश्चन आएंगे बट कितने तक आ पाएंगे, तो वो इतने तक आ पाएंगे। बात नहीं समझो तो समझो इतना कि आपका क्वेश्चन आएगा। पिछले बार का हमने रिकॉर्ड तोड़ा था, इवन कोस्ट गार्ड एग्जाम में भी हमने रिकॉर्ड तोड़ा, दिख रहा है ना आपको। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक से बाई कर लो, या फिर टैक्स बचाना है अपना तो 7279047787 पे करके आप पीडीएफ को बाई कर लो वहां से, ठीक है। फिलहाल हम फ्री वाली क्लासेस देख रही है, फ्री वाली क्लासेस की पीडीएफ आपको नहीं मिल रही है, इस बार रोक दिया गया है ड्यू टू सम मतलब टेक्निकल रीजन। रीजन ये ना कि फ्री वाली क्लासेस का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल रहा है, तो सारे अदर लोग क्या कर रहे हैं ना, इसी पीडीएफ को लेके थोड़ा एडिट करके सेल कर दे रहे हैं, मतलब गजब चीज है, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। और हाँ एक चीज मैं बताऊं आपको, रीजनिंग का पीडीएफ जल्द आएगा टॉप 500 का, मैथ का भी जल्द आएगा, और फिर जो जीके का टॉप 500 आएगा उसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और कोई भी पीडीएफ का दाम ना, सबका दाम 50 रुपए से नीचे रखेंगे हम लोग, 35 से 40 के बीच में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम लोग कमाने के लिए बिल्कुल नहीं उतरे यहाँ पे, मैं उतना ही आपसे चार्ज कर रहा हूँ 35 रुपए, इसलिए कि हमारे जो लोग स्टाफ काम कर रहे हैं ना उनकी सैलरी दी जा सके, बस इतने के लिए है और कुछ नहीं। फ्री में मेरे स्टाफ काम ही नहीं करेंगे, भाग जाएंगे सब, है ना, कुछ पैसा देना पड़ता है, इसलिए मैं आपसे ले रहा हूँ, अदरवाइज फ्री में मैं पीडीएफ भी दे देता। चलो गाइस अब देखो, किस कारण से हम कोहरे को मतलब कोहरे के दौरान देख नहीं सकते, क्या होता है। देखो जब कोहरा होता है ना, फॉग होता है, तो उस टाइम क्या होता है गाइस, उस टाइम होता है कुछ ऐसा है कि मतलब प्रकाश होता है ना जब फैलता है, तो प्रकाश का फैलाव हो जाता है। और कोहरा पे क्या होता है, कोहरा पे सब प्रकाश फैलेगा, तुमको कोहरा इतना नजर आने लगता है कि आगे की कुछ चीजें नजर नहीं आती है, तो उसी को क्या कहते हैं ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब कहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, तो यही चीज है कोहरा बोले तो फॉग, जो कि ठंडे के दिनों में होता है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलो अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। प्रिज्म से गुजरते समय बोल रहा है ना कि कौन सा मतलब रंगीन प्रकाश सबसे कम झुकता है, तो एक चीज समझो, कम से कम कौन झुकेगा, जिसका मतलब वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, तो लाल का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो झुकेगा नहीं, सीधे सीधे निकल जाएगा, या फिर बहुत कम झुकेगा, तो सबसे कम कौन झुकेगा, लाल। यही रीजन है ना, इसकी फैलाव कम होती है, फैलाव कम होगा तो ये हो गया ना, वो दूर तक जाएगा, झुकेगा कम, इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं ना, डेंजर के रंग में हम लोग रेड को यूज करते हैं, और ट्रैफिक लाइट में जो रुकने वाली रेड कलर होती है ना, इसीलिए उसको यूज करते हैं कि रुकने के लिए दूर वाले भी समझ जाए। बाकी गाड़ी खुलने का जहां तक बात है, तो कोई भी लाइट जला दो गाड़ी खुल जाएगी, मतलब ग्रीन कलर यूज करते हैं, बट रेड वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो ये बोल लो आप वेवलेंथ ज्यादा होता है, ठीक है। आगे देखो, आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है, आंवला खट्टा होता है, जितने भी खट्टी चीजें होते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजों में विटामिन सी पाया जाता है, क्लियर है, यस सर। आगे देखो, प्रिज्म में गुजरते समय कौन प्रकाश सबसे अधिक झुकेगा, ठीक है, तो सबसे ज्यादा झुकेगा वही जो सबसे ज्यादा फैलता है, तो सबसे ज्यादा फैलता है कौन है, बैंगनी, आपने पढ़ा होगा ना, बैजी हप्पी नाला, तो बैंगनी सबसे ज्यादा, लाल सबसे कम,
जो थी ये थी आंसर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी थोड़ा मेरा उत्साह बहुत ज्यादा है क्योंकि आपका सपोर्ट पीडीएफ को लोग इतना मतलब अब वेट कर रहे थे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पिछली बार एक इंसान ने कुछ चैलेंज किया था, ठीक है, कोई यूट्यूबर ही था, बट मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट ही नहीं किया बिल्कुल भी। और फिर मैं अपना मेहनत करते गया और फाइनली वो दिन आ गया कि पीडीएफ के प्रति आपका इतना रुझान। बिकॉज पीडीएफ इसलिए इतना लोग पसंद करें ना, क्योंकि पिछली बार साइंस में से 10 में से अराउंड 9 तो किसी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे थे पिछली बार, जो हमने फ्री में यूट्यूब पे करा रखा था। ठीक है, इस बार देखना फाड़ के रख देंगे एग्जाम में। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? देखो गाइस, ऑप्टिकल लेंस, पेरिस्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्टेथोस्कोप। अब देखो स्टेथोस्कोप क्या होता है, वो जो डॉक्टर आला लगाते हैं ना कान में, तो जो कान में आला लगाते हैं और आपको चेक करते हैं हार्ट बीट वगैरह, उसके अंदर कोई लेंस नहीं होता। वो प्रकाश के प्रवर्तन के, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बेस पे काम कर रहा होता है, तो उसमें कोई स्कोप क्या बोलते हैं, उसके अंदर कोई लेंस वेंस नहीं होता, तो वही जो है स्टेथोस्कोप जो इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखो, प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन ना होना क्या कहलाता है? अब देखो प्रकाश सीधी रेखा में गमन हो रही है, चलो ठीक है, अगर थोड़ी सी गमन की मुड़ गई ऐसे मान लो, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं गाइस? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन, ठीक है। लेकिन वहीं पर प्रकाश गई और डायरेक्टली वहां पर मुड़ गई, उसको कहते हैं प्रवर्तन, कहने का मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। बट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपवर्तन। जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रकाश जाती है तो थोड़ी सी मुड़ जाती है, जस्ट लाइक कि एयर में प्रकाश है और वही पानी में अगर प्रकाश को लाइट में जलाया जाए तो वो डायरेक्टली इंटर ना करके, बल्कि ये मान लो पानी है इसके अंदर, तो वो थोड़ी सी मुड़ेगी नीचे की तरफ, ठीक है, उसी को कहते हैं अपवर्तन। आगे देखो, एक पिंड को एक वृत्त में घुमाया गया तो उसपे मतलब एक वृत्त के अंदर घूम रहा है तो को कितना कार्य किया उसने, जहां से गया था वहीं पे आके रुक गया, तो जीरो वर्क, वर्क खत्म हो जाता है उसका, शून्य हो जाएगा, क्लियर है ना। आगे देखो, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया रखा है कि प्रथम नियम का जो है दूसरा नाम क्या है, दूसरा नियम नहीं पूछ रहा है। प्रथम नियम से हमको क्या मिलता है? लॉ ऑफ इनर्सिया मिलता है, मतलब जड़त्व का नियम हमको मिल जाता है ना, इसलिए उसको जड़त्व के नियम से भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, गुरुत्व का नियम नहीं, लॉ ऑफ इनर्सिया, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका सी होगा यहाँ पे। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ पे होता है, कहाँ पे रखेंगे? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, या फिर भूमध्य रेखा, या फिर पृथ्वी के कोल, इक्वेटर पे, या फिर सेंटर पे? तो ऑब्वियसली पृथ्वी के केंद्र पे। केंद्र पे जो है ग्रेविटी बहुत कम लगती है, ना के बराबर, ठीक है, लगती है बहुत कम लगती है, ठीक है, जिसके वजह से वहां पे जो है वो वेट वहां पे इंसान का बहुत कम होता है, सबसे कम होता है। आगे देखो, तैराक, अच्छा इसका इंग्लिश छूटा हुआ गाइस, सॉरी फॉर दैट। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? जब पानी में आप जाते हो तो नीचे से कोई फोर्स लगता है ना आपके ऊपर, वो फोर्स कौन सा होता है? यूरेका, यूरेका कौन करते आ गया था बताओ मुझे? आर्किमिडीज, आर्किमिडीज जो थे वो एक बार यूरेका यूरेका चिल्ला रहे थे, मतलब मिल गया, कौन सा क्या मिल गया भाई? वो बल मिल गया, उत्प्लावक बल मिल गया, वही चीज है। तो तैराक को पानी में जो नीचे से बल लगता है वो उत्प्लावक बल लगता है, क्लियर है। आगे देखो, आगे कह रहा है, किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी वृत्ताकार कक्षा में घूमती है? गाइस, जब भी कोई चीज अगर वृत्ताकार कक्षा में घूम रही है तो उसका जो फोर्स है कहाँ? सेंटर की तरफ लगता है, उसको सेंट्रीपेटल फोर्स या फिर अभिकेंद्र बल, जो इंग्लिश में सेंट्रीपेटल फोर्स कह लो या फिर हिंदी में अभिकेंद्र बल कह लो, यही लगती है। आगे देखो, किस तापमान पे सेल्सियस और फॉरेनहाइट का जो वैल्यू होगा सेम होगा? वो वैल्यू है -40 डिग्री फॉरेनहाइट। ये -40 डिग्री फॉरेनहाइट पे ना, चाहे वो सेल्सियस हो या फिर फॉरेनहाइट हो, दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है, क्लियर है सर? यस सर। आगे देखो, ग्लेशियर में हमेशा बर्फ जो है हमेशा निम्न में से कहां से पिघलता है? दो चीजें समझना, जब भी ग्लेशियर है अगर उससे बर्फ पिघल रहा है तो ग्लेशियर में नीचे से बर्फ पिघलता है, और किसी मान लो बड़े बड़े समुद्रों में, सागरों में जो बर्फ पिघलता है, जमता है, तो बर्फ ऊपर से जमता है, तो ये चीज ध्यान रहे जरा। तो ग्लेशियर में निचले स्तर से, सबसे निचले, फ्रॉम द लोएस्ट लेवल से बर्फ पिघलता है, यही रीजन है ना आइस स्लाइड हो जाता है। आइस स्लाइड कहेगा मतलब बर्फ नीचे से पिघल जाएगा, ऊपर वाला डुगर के नीचे आ जाएगा, डुगर के कहने का मतलब ढल जाएगा, जैसे लुढ़क के नीचे आ जाएगा, ठीक है, वही चीज है। और वहीं पे कभी कुछ लोग रहते हैं ना, तो फिर नाकपान टूट जाता है, तो वहां पे जनरली कोई होता नहीं है, जाते हैं वही लोग जैसे जिनको पहाड़ों पे चढ़ने का शौक होता है, तो वही उन्हीं के साथ ही सब होता है, कहीं आइस स्लाइड हुआ तो कहानी खत्म, टाटा फेस। आगे देखो, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो कहोगे सर कोई ट्रेन फ्रेन नहीं है, वो विकिरण की मदद से पहुंच जाती है, बाय रेडिएशन। किसके मदद से गाइस? सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर रेडिएशन की मदद से, ठीक है। और एक चीज मैं बताना भूल गया, सेक्शन वन की मैथ की क्लास आपका चल रही है 10 बजे सुबह में चल रही है, ठीक है, वहीं पे इंग्लिश की क्लास चल रही है आपकी कितने बजे चल रही है गाइस? 12 बजे मॉर्निंग में चल रही है, तो दोपहर में, ठीक है, लाइव क्लास चल रही है। बॉल पेन जो है किस सिद्धांत पे काम करता है?
बॉल पेन ना, बॉल पेन जो है किस पे काम करता है गाइज, वो सरफेस टेंशन पे, तो यहाँ पे इसको सरफेस टेंशन लिखो, सरफेस टेंशन, ठीक है, पृष्ठ तनाव के बेसिस पे ये काम कर रहा होता है बॉल पेन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है जरा अपना गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से किस तापमान पर उबलने लगता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है। तो जनरली पानी उबलता है ना, बॉइलिंग पॉइंट उसका कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे पहाड़ पे ना 100 डिग्री से भी कम पे उबलने लगता है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कम हो, क्या बोलते हैं, प्रेशर कम होता है एनवायरमेंट का अपना, इसीलिए लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो पानी उबलने लगता है। क्लियर। आगे देखो, कह रहा है यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो फिर कह रहा है किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत का वृद्धि होगा। किसी चीज के ठोस चीज को अगर आप गर्म करोगे तो क्या बढ़ेगा, चीज का लंबाई बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, या फिर सबके सब सूत्र बराबर बढ़ने लगेंगे। तो गाइस वहां पे लंबाई उम्बाई बढ़े ना बढ़े, बट उसका आयतन जो है वॉल्यूम जरूर बढ़ेगा, ये तो श्योर है, ठीक है। चलो आगे देखो, जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहाँ पे जमना शुरू होगा, ये जमुना सुरुनी सबसे पहले कहाँ पे जमता है। तो मैंने बोला ना कि ग्लेशियर में जब जल बर्फ पिघलता है तो नीचे से, और समुद्र में झील में जब बर्फ जमता है तो ऊपर से। क्लियर है ना, तो ऊपर से होगा, फ्रॉम अबव। आगे देखो, ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाना, जैसे ठोस कपूर है, कपूर है जो कि पूजा पाठ में काम आता है, अगर आप उसको गर्म करोगे तो ये लिक्विड फॉर्म में नहीं, ये डायरेक्टली गैस में बन जाता है, तो इसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, जिसको उद्रपातन कहते हैं, ठीक है। चलो 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, अपेक्षित अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, ग्राम किलोग्राम अनुपात प्रतिशत। तो आर्द्रता को ना परसेंटेज में बताया जाता है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना जो है काफी है, तो अगला देखते हैं, 20 क्वेश्चन इज सफिशियंट फॉर टुडे। और ज्यादा ज्यादा फिर से मैं कह दूं कि इस प्लेलिस्ट का प्लेलिस्ट कह रहा हूँ, साइंस के टॉप 500 क्वेश्चंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में, या तो वहां से बाई कर लो या फिर व्हाट्सएप कर लो 7279047787, ठीक है, यहाँ से भी आपको विदाउट टैक्स पे किए मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, डिजिटल स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।